फर्स्ट सी प्रोग्राम मोस्ट ऑफ केसेस में फर्स्ट सी प्रोग्राम और फर्स्ट सी फंक्शन इंप्लीमेंट किसके थ्रू करते हैं, यूजिंग एडिशन ऑपरेशन, बिकॉज ये सबसे इजीएस्ट ऑपरेशन है। या मेरा इंटेंशन ये नहीं कि आपको एडिशन सिखाना, मेरा इंटेंशन क्या है, हाउ टू प्रिपेयरिंग फंक्शन और एंड हाउ टू यूज इट सिंपल वे। इन दैट केस राइट अ सी फंक्शन दैट विल रिटर्न और दैट विल परफॉर्म एडिशन ऑफ टू इंटीजर नंबर्स। आपको परफॉर्म क्या कराना, एडिशन ऑफ टू इंटीजर नंबर्स, स्पेशली एडिशन ऑफ टू इंटीजर नंबर। हाउ टू परफॉर्म दैट ऑपरेशन मीन्स किसी भी टाइप के फंक्शंस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपके माइंड में अवेलेबल क्या होना चाहिए, व्हाट इज द नेम ऑफ फंक्शन, हाउ मेनी इनपुट्स आर रिक्वायर्ड दैट फंक्शन एंड विच टाइप ऑफ रिजल्ट रिटर्न बाई दिस फंक्शन। रिजल्ट मीन्स आउटपुट, मीन्स टोटल इसके इसमें फंक्शंस के रिस्पेक्ट में ऑलवेज आपको ऑब्जर्व करने थिंग्स करना थ्री थिंग्स। इस फंक्शंस को क्रिएट करने के लिए प्रोवाइड क्या करेंगे, सम नेम्स, रिक्वायर्ड इनपुट्स और आउटपुट। आउटपुट के बेसिस पर फंक्शन के केस में आइडेंटिफाई क्या करेंगे, रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शंस को क्रिएट करने के लिए जब फंक्शन का हेडर सेशन क्रिएट करेंगे, कोई भी फंक्शन क्रिएशन प्रोसेस टू स्टेप्स इन्वॉल्व होता है, हेडर क्रिएशन और बॉडी। हेडर के रिस्पेक्ट में बात करें तो हेडर का जनरल फॉर्मेट क्या था, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम और फंक्शन आर्गुमेंट लिस्ट। आउटपुट के बेसिस पर आइडेंटिफाई करेंगे रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शंस। सेम एज फंक्शंस का नेम क्या होना चाहिए, डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन, मीन्स किस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। मीन्स फंक्शन का नेम कैसा होना चाहिए, शुड बी मीनिंगफुल रिलेटेड टू परफॉर्म्ड ऑपरेशंस। इनपुट्स, इनपुट्स मीन्स हाउ मेनी इनपुट्स और वैल्यूज आर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस दिस फंक्शंस और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स फॉर दैट फंक्शंस। सो द एग्जैक्ट वे ऑफ क्रिएटिंग एनी फंक्शंस। तो इसके इसमें फाइनली परफॉर्म क्या कराना है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में फंक्शन का नेम क्रिएट करेंगे, इन दैट केस इन अवर केस फंक्शन नेम यूज करेंगे एज अ सिंपल एड और मे बी एडिशन, दिस इज फंक्शन नेम। इनपुट्स, स्ट्रिक्टली बोला गया कितने नंबर्स को एड कराना है, इसके इसमें टू नंबर्स, तो इसलिए इनपुट्स कितने रिक्वायर्ड है, ओनली टू पैरामीटर्स। इन टू पैरामीटर का डेटा टाइप क्या यूज करेंगे, इंटीजर, बिकॉज एडिशन किसके लिए परफॉर्म कराना, इंटीजर्स के लिए। देन फाइनली इस फंक्शन से रिटर्न क्या होना चाहिए, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। मीन्स जब टू इंटीजर नंबर का एडिशन परफॉर्म कराएंगे तो इंटीजर का एडिशन भी किस फॉर्म में आएगा, ऑल्सो इंटीजर। तो ये रिटर्न क्या करेगा, अगेन रिजल्ट एज इंटीजर टाइप, दैट्स वाई वी आर टेकिंग रिटर्न टाइप एज इंटीजर। वन मोर थिंग्स, स्टार्टिंग में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस के अंदर ओनली प्रोवाइड क्या करोगे, ओनली ऑपरेशंस। मीन्स फंक्शंस के अंदर ना ही कभी इनपुट्स लॉजिक होना चाहिए, ना ही आउटपुट लॉजिक, मीन्स ना ही कभी स्कैन ऐप के थ्रू आपको कोई इनपुट रीड करना चाहिए, ना ही प्रिंट ऐप के थ्रू कोई भी आउटपुट डिस्प्ले कराना चाहिए। अगर फंक्शन कोई भी आउटपुट जनरेट करा देन आउटपुट ऑलवेज रिटर्न कराएंगे यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट। सेम एज अगर फंक्शंस के लिए इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं, देन इनपुट्स स्कैन ऐप से रीड ना करेंगे, इनपुट सप्लाई करेंगे एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट और फंक्शन पैरामीटर, दैट थिंग्स। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर क्रिएटिंग फंक्शन, फंक्शन नेम एज एड, मीन्स फंक्शन क्रिएशन प्रोसेस टू स्टेप्स इन्वॉल्व होगा, हेडर पार्ट और बॉडी पार्ट। तो हेडर पार्ट इंप्लीमेंट करेंगे हेडर के अकॉर्डिंग, फंक्शन का नेम यूज करें एज एड, प्लस इसे रिटर्न क्या कराना है, इंटीजर टाइप ऑफ रिजल्ट, दैट्स वाई वी आर टेकिंग रिटर्न टाइप एज इंट और इंटीजर। आर्ग्यूमेंट्स, कितने आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, टू आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट किस टाइप के यूज कर रहे हैं, एज अ इंटीजर कॉमा इंटीजर। करंटली मैंने प्रोवाइड क्या किया, ओनली डिक्लेरेशन सेशंस। एक बार डिक्लेरेशन आपने अगर टॉप में प्रोवाइड कर दिया, फंक्शन का डेफिनेशन किसी भी प्लेस पर प्रोवाइड करना पॉसिबल। अगर डेफिनेशन डायरेक्टली टॉप में अवेलेबल, देन डिक्लेरेशन इज ऑप्शनल। इन दैट केस वी आर प्रोवाइडिंग फंक्शन डेफिनेशन आफ्टर मेन और बॉडी ऑफ मेन। इसकी जस्ट वाई डिफाइन क्या करेंगे, वॉइड मेन फंक्शन, वॉइड मेन। मेन के अंदर टेस्ट क्या करेंगे, एडिशन फंक्शंस। एडिशन के रिस्पेक्ट में बात करें, इसका वर्किंग क्या रहेगा, जब भी कहीं थ्रू आउट मेन फंक्शन कहीं भी अगर एडिशन फंक्शन कॉल करोगे, रिटर्न क्या करेगा, सम रिजल्ट। तो रिजल्ट को स्टोर करने के लिए रिक्वायर्ड क्या होगा, सम वेरिएबल। दूसरा गेस, इसके लिए इनपुट्स कितने सप्लाई करेंगे, टू इनपुट्स। तो टू इनपुट सप्लाई करने के लिए पहले आप मेन फंक्शन के पास या कॉलिंग फंक्शन के पास अवेलेबल करना चाहिए सेपरेट पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स। टू आर्ग्यूमेंट क्रिएट करेंगे इसके इसमें, लाइक ए और इन रीडेबल फॉर्मेट एन वन और एन टू, नंबर वन नंबर टू एंड फाइनली रिजल्ट। टोटल कितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड इसके इसमें, थ्री वेरिएबल्स इनसाइड मेन फंक्शंस। नेक्स्ट रिक्वायर्ड स्टेप क्या रहेगा,
जब भी इस फंक्शंस को कॉल करेंगे तो फंक्शन के रिस्पेक्ट में सप्लाई किया करेंगे सम इनपुट्स। जब तक आपका फंक्शंस को कॉल करने के लिए सफिशियंट इनपुट्स अवेलेबल नहीं, कॉल करना पॉसिबल नहीं। तो इनपुट्स रीड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ n1 n2। इस मैंने प्रीवियस केस में डिस्कस किया था, रिक्वायर्ड इनपुट्स हमेशा कॉलिंग फंक्शन के अंदर रीड कराओगे, न कि रिक्वायर्ड और यूजर डिफाइंड फंक्शंस के अंदर। यूजर डिफाइंड फंक्शंस के अंदर ओनली ऑपरेशंस प्रोवाइड होंगे, न कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। इन दैट केस वी आर रीडिंग इनपुट्स इनसाइड मेन पुट्स enter two number then scanf %d %m% of n1, m% of n2। नेक्स्ट वन इस फाइनली इनपुट्स किस फॉर्म में अवेलेबल होंगे आपका, n1 और n2 के फॉर्म में। इसलिए अब आपके लिए डायरेक्टली फंक्शन कॉल करना पॉसिबली। अब एडिशन फंक्शन को कॉल करेंगे, रिटर्न क्या करेगा सम इंटीजर टाइप ऑफ रिजल्ट। तो फाइनली रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए सेपरेट वेरिएबल ऑलरेडी अवेलेबल है कॉल्ड एज वेरिएबल नेम एज रिजल्ट। रिजल्ट इक्वल्स टू एड सप्लाई क्या करेंगे रिक्वायर्ड इनपुट एज n1, n2। दिस इज द फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट। फाइनली जो भी रिजल्ट आएगा रिजल्ट असाइन किस में जाएगा वेरिएबल रिजल्ट के अंदर। डिस्प्ले क्या कराएंगे आउटपुट। आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए यूज क्या करेंगे सिंपली प्रिंट एप डिस्प्ले रिजल्ट यूजिंग %d। देन इस मेन फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वन दिस इज द टेस्टिंग प्लेस। लेकिन अभी तक कहीं भी एडिशन के लिए कोई लॉजिक्स प्रोवाइड हुआ क्या, नहीं। अब सेपरेटली प्रोवाइड क्या करें डेफिनेशन ऑफ एडिशन फंक्शंस। अगेन रिटर्न टाइप एज इंट फंक्शन नेम एज एड इट विल टेक्स टू आर्गुमेंट। डिक्लेरेशन टाइम पर पैरामीटर नेम्स कैसे हैं ऑप्शनल, लेकिन डेटा टाइप प्रोवाइड करना कंपलसरी था। इन दैट केस इंट एक्स इंट वाई। जब एक्स और वाई का एडिशन परफॉर्म कराएं देन इसका रिजल्ट जनरेट होगा किसी सेपरेट वेरिएबल्स में असाइन करने के लिए क्रिएट करेंगे सेपरेट वेरिएबल समथिंग रिजल्ट और आर ई एस इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड फाइनली रिटर्निंग और डिस्प्लेइंग रिटर्निंग रिजल्ट नॉट अ डिस्प्लेइंग। क्यों डिस्प्ले का हुआ इनसाइड मेन फंक्शन रिटर्न रिजल्ट मीन्स दैट वन। दिस इज द फाइनल लॉजिक ऑफ एडिशंस। दिस इज एग्जैक्ट सी प्रोग्राम टू परफॉर्मिंग एडिशन ऑफ टू नंबर्स। नेक्स्ट केस में नेक्स्ट लेक्चर्स के केस में जब भी मैं जितने भी प्रोग्राम डिस्कस करूँगा इन दैट केस बार बार मेन फंक्शन डिजाइन न करके मैं ओनली इंप्लीमेंट क्या करूँ एक्चुअल लॉजिक्स इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन। देन सारे सारे लॉजिक एक साथ वन टाइम में सिंगल प्लेस पर टेस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं सारे सारे रिक्वायर्ड फंक्शंस प्रोवाइड करूँ आफ्टर दैट लॉजिक्स। इस केस में आपके लिए इजिली टेस्ट करना पॉसिबल, इसलिए मैं इसको कोई एक्सप्लेनेशन शो नहीं कर रहा हूँ। क्लियर।